तो यकीनन ये तो परमात्मा के बराबर की ही बात है। ईश्वर ने इस जगह को और महाराज जी को एक विशेष अलग शक्ति प्रदान की है। हम उस ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि उनकी शक्ति में वृद्धि हो लगातार, ताकि दर्द से करहाती इस मानवता को, दर्द से बिलबिलाती इस मानवता को जो बुरी तरह दुखी है हर पीड़ा से, हर दर्द से, और यहां बैठे लोगों की संख्या भी यह दिखा रही है कि निश्चित तौर पे हम हर व्यक्ति आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से ग्रस्त है। और जब आपके पास एक आशा की एक किरण हो, क्योंकि आज के समय में तो कुछ ऐसा है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, बहुत सारे साथी कह रहे थे यहां कि अलग अलग डॉक्टर्स के पास अपनी समस्याओं के लिए जाइए, और एक समय ऐसा आता आप थक हार लेते हैं और समस्याओं का समाधान नहीं होता, आपके रोग का निदान नहीं होता। और हम तो उस धर्म के मानने वाले हैं जहां ये कहा जाता है कि जब दवा असर नहीं करती तब दुआ असर करती है, और यहां वो दुआ मिलती है हमें, यहां वो शक्ति मिलती है हमें, यहां वो दिव्यता मिलती है हमें, यहां वो परमात्मा का दृश्य हाथ उनके जरिए हमारे जख्मों तक पहुंचता और हमारे जख्म बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, हमारे रोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, हमारी बीमारियां बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनको वो ताकत दे कि ये बहुत बड़ा धाम बने, और ऐसा धाम बने कि यहां पहुंचने वाला हर व्यक्ति अपनी समस्या, चाहे किसी तरह की समस्या हो, चाहे वो शारीरिक समस्या हो, चाहे मानसिक समस्या से वो पीड़ित हो, यहां आकर के उसकी हर समस्या का संपूर्ण समाधान उसे मिले, ये हम दुआ करेंगे परमात्मा से। क्योंकि आज के समय में यदि किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऋषि मुनि कहते रहे कि पहला सुख है वो निरोगी काया है, उसके बाद है सारी चीजें। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो आप किसी तरह की कोई भी यात्रा, चाहे वो आपकी भौतिक यात्रा है, चाहे वो आपकी आध्यात्मिक यात्रा है, चाहे किसी और यात्रा पे आप निकले हैं, वो यात्रा सफल नहीं हो पाएगी। ना परिवार के लिहाज से सुखी रह पाएंगे, ना आप सामाजिक लिहाज से अपनी जिम्मेदारी को निभा पाएंगे, ना ही अपने देश के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको देख पाएंगे आप। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आप बेहतर हैं, आप बढ़िया हैं, जिस तरह से वो बुजुर्ग के मेडल आपने देखे होंगे, मुझे लगा कि ये दोनों खरीद के लाए हैं इतने मेडल, लेकिन बाद में पता चला कि वो कमाए गए हैं मेहनत से, परिश्रम से, पसीने से। वो तब कमाए गए कि जब उनका शरीर स्वस्थ था, शरीर में जान थी, शरीर में ताकत थी। और जब आप यहाँ आकर के अपने शरीर की हर समस्या का समाधान पा रहे हैं तो निस्संदेह वो दोनों हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें निश्चित तौर पे उन जैसा बनना चाहिए, उस दिशा में बढ़ लेना चाहिए, ताकि जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारी जीवनचर्या है, जो समय ईश्वर ने हमें प्रदान किया है 70-80 सालों तक का जो भी समय है, वो निर्विघ्न रूप से वो यात्रा पूरी हो जाए। आज मैं एक चीज बैठा बैठा एक चीज सोच रहा था कि काश मेरे पास 200 बसें होती। बदकिस्मती से हमारे पास महज 97 बसें हैं। अगर 200 बसें होती तो 50 बस केवल इसी धाम के लिए लगा देता मैं। लेकिन फिर भी ये प्रयास रहेगा, मेरे दोनों साथी जो अभी ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, हमारे ड्राइवर कंडक्टर सदबंधु, हमने उनको वो जिम्मेदारी दे दी है कि यहाँ जिस भी तरह की बस की जरूरत हो वो हमें अवगत करा दें, और हम वो बस अवश्य लगा ही देंगे, पक्का, कोई शक नहीं। दूसरा साथी कह रहे थे कि शिवानी बस स्टैंड के ऊपर काम किया जाना चाहिए। मैं सभी मित्रों को, मनोज जी को बताना चाह रहा हूं कि हम एक बार अपनी पूरी टीम के साथ शिवानी, तोशाम, भैल सभी बस स्टैंड का एक सघन दौरा कर चुके हैं, एक एस्टिमेट तैयार कर चुके हैं और एस्टिमेट भेज चुके हैं और मंत्रियों से भी बात कर चुके हैं, ताकि इन पे जो काम होना है वो काम हो जाए, और उसके बाद जो सब डिपो की व्यवस्थाएं हैं या अलग तरह की जो जो चीज़ें हैं वो यहाँ लागू हो जाएं। तो हमने अपने तरफ से जो काम करना था वो हम कर चुके हैं, बाकी सरकार के हाथों है वो काम, वो फिर थोड़ा बहुत राजनीतिक रूप से वो आप लोग देख लें, और वो हमारी तरफ से जो होना होगा वो हम देखते रहेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने जो काम करना था वो हम अपने तरफ से कर चुके हैं, अब ये आपका जिम्मा बनता है।
यू के साथ आप भी इस स्वागत में शामिल हों। कहने के लिए मेरे पास सचमुच बहुत सारे शब्द हैं आज, क्योंकि मैं पिछले 20-25 सालों से मंच पे रहा हूं, लेकिन आज सचमुच रुका सा हूं, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है एकदम जैसे आंखें चुंधिया जाती हों उस आध्यात्मिक शक्ति से, उस ऊर्जा से, उस पावर से, वो सकारात्मक प्रवाह जो मुझे नजर आ रहा है यहाँ, वो ऐसा लगता है कि बस ये सारी चीजें छोड़ छाड़ के यहीं बैठ जाना चाहिए इनके साथ ही। और मुझे लगता है यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के दिल में एक बार तो ये बात आती ही होगी कि यहाँ का जो शांत माहौल है, यहाँ का जो पवित्र माहौल है, यहाँ का जो दिव्य स्पंदन है, वो स्पंदन आपको भी प्रभावित करते होंगे, क्योंकि आप भी मानव हैं, हम सभी मानवों को वो प्रभावित करते हैं। और कभी कभी हम थक लेते हैं, अस्सी साहब मुझसे सहमत होंगे, क्योंकि जिस तरह का अधिकारियों के ऊपर एक दबाव रहता है, काम का बोझ रहता है, उस काम के बोझ को अगर हम देख लें, एक सामान्य ग्रस्त व्यक्ति के बोझ को हम देख लें, तो हम बहुत बार ये सोचते हैं कि बस करिए भाई, बहुत हो चुका अब। कभी तो रुके हम, कभी तो हमारे पैर ठिठके, ठहरे, जमे एक जगह, और तब फिर इस तरह की कोई जगह हमें मिलती है तो वो एक सुकून वाली हवा के झोंके की तरह होती है। यहां आने वाले हर व्यक्ति जो अपनी समस्याओं के लिए यहां आया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा कि जो माताएं बहनें, जो बुजुर्ग नौजवान साथी यहां आए हैं, उनकी हर समस्या आज ही उनका समाधान हो जाए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि वो महाराज जी के जरिए इन सभी की समस्याओं को हर लें, इन सभी की समस्याओं को दूर कर लें, ताकि वो अपने जीवन के जो अन्य जरूरी कार्य हैं उन कार्यों में बसा रहे। बहुत ही पवित्र जगह, ये मेरा पहला आगमन है, लेकिन ये तय है कि ये मेरा अंतिम आगमन नहीं है, हम हर सप्ताह ही यहाँ आते रहेंगे, क्योंकि ये जगह हमें पसंद आ चुकी है और यहाँ का कि जो आकर्षण है, यहाँ का जो चुंबक के तत्व है वो हमें खींच रहा है। तो आप सभी से भी अनुरोध रहेगा कि कभी कभार बिना किसी काम के आइए आप, क्योंकि दिव्य वो जगह होती है जहाँ बिना किसी काम के जाइए आप, फिर जो सुकून आपको मिलेगा, जो शांति आपको मिलेगी, जो ठहराव आपको मिलेगा, जो स्थिरता आपको मिलेगी, वो अद्भुत है, उसके मायने अद्भुत है। तो दोनों तरह के लोग जिनकी दिक्कतें हैं वो तो ज्यादा से ज्यादा है, ताकि उनकी दिक्कतें यहां हर ली जाएंगी, समस्याएं समाप्त कर दी जाएंगी, और जिनकी दिक्कतें नहीं वो अपनी मानसिक शांति और संतुष्टि के लिए यहां आए। मैं धन्यवाद दूंगा अपने दो मित्रों को, भाई कृष्ण जी को और भाई राहुल जी को, क्योंकि उन्होंने मुझे यहां के लिए आमंत्रित किया। भाई मनोज जी को मेरा धन्यवाद, दूसरे उन मित्रों को धन्यवाद जिनके दिमाग में यह तस्वीर आई कि जीएम भिवानी को बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि मैं लगातार घूमता हूं, ऐसी आध्यात्मिक दिशा है मेरी थोड़ी बहुत, तो मैं ऐसी जगहों पे घूमता रहा हूं, तो यहाँ के जो दिव्य स्पंदन है, जो आध्यात्मिक स्पंदन है, वो यकीनन आपको उन दूसरे आयामों तक ले जाने में बहुत मदद करेंगे। तो और आज के इस ऐसी जगह के ऊपर रक्तदान जैसा पवित्र कार्य, ये तो सबसे बड़ी बात है, मानवता की सबसे बड़ी सेवा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 20 सालों से मैं इस टीम के साथ जुड़ा हूँ, हमने वो दौर देखा है जहाँ हम कोई कैंप लगाते थे और वहाँ 15 से 20 लोग थक लेते थे, हम बुला बुला करके तब आते थे, और अभी वो संचालक बंधु कह रहे थे कि हमने किसी को आमंत्रित नहीं किया और फिर भी 50 से ज़्यादा लोग यहाँ आ चुके हैं। तो ये दर्शाता है, दो चीज़ें दर्शाता है कि जो रक्तदान के प्रति जो शंकाएँ थी, जो अवधारणाएँ थी, जो गलत चीज़ें फैली हुई थी, गलत भ्रम थे, वो भ्रम दूर हो चुके हैं, और इस तरह की जगह पर आकर के ये काम अगर हम करें तो इससे बड़ी मानवता की कोई सेवा है नहीं। तो इस बहुत ही पुनीत और पवित्र कार्य के लिए मैं सभी आयोजक बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, और सभी रक्तदाता